सो आज मैं आप लोगों के लिए चार ऐसी चीजें लाया हूँ जिसे देख के दूसरों की तशरीफ हिल जाएगी, आप लोग बहुत कूल हो जाओगे, इंस्टाग्राम पे ऐसी चीजें आ जाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते, आपके डीपी के नीचे बहुत सारे ऐसे स्टेटस आ जाएंगे और आपको देख के लोग कहेंगे आपसे कोई पूछना चाहेगा तो आप जरूरी नहीं उन्हें बताने भी, आप नहीं बताने का भी मन करे तो नहीं बता सकते हो। और ऐसी कुछ साइट है जो आप लोगों को पूरा पूरा एक्सेस देगी दूसरी जगहों पे जाने पे, जो आजकल यहाँ पर बहुत बैन चल रही है। और अगर आपको सामने कोई आपके चुगली करता है, आपके पीठ पे जो चुगली करता है, हो सकता है आजकल के तो वैसे लड़कियों से भी कम नहीं है लड़के, हो सकता है आपको उन पे शक हो तो उनकी आप बातें सुन सकते हैं सिर्फ एक एप्लीकेशन के थ्रू, जबकि आप उससे प्रेजेंट भी नहीं होंगे उस रूम में और आपको सब कुछ पता लग जाएगा। सो ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों को आज की वीडियो में पता लगने वाली है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और प्लीज मेक श्योर कि जाते जाते पूरी वीडियो जरूर देख लेना, वरना भाई जो आपके आज मैं लाया हूं ना उससे हाथ धो बैठोगे। सो हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हो मैट टेक। हम करने वाले हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट और ये एप्लीकेशंस ऑनेस्टली आप लोगों को बहुत यूजफुल होने वाले हैं। सो भाई इस वीडियो को पूरा देखते रहना, कुछ कुछ एप्लीकेशंस तो इस तरह के हैं जो आप लोगों को रियल लाइफ में भी बहुत कूल बना लेंगे आपके दोस्तों के आगे भी। सो जल्दी से शुरू कर देते हैं इस वीडियो को छोटे से इंट्रो के बाद। सो जो पहला एप्लीकेशन है उसका नाम है वाईफाई ईयर। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्त नहीं होते हैं, आप लोग सब घूमने जाते हैं, बहुत सारे एक लंबा ग्रुप हो जाता है तो सबको पता होता है कि अगर आप कहीं गेट टुगेदर कर रहे हो तो एक ना एक तो कोई आप लोगों की बुराई करता ही होगा। सो एप्लीकेशन को करना क्या, आपके पास एटलीस्ट दो फोन होने चाहिए, किसी भी दो फोन अपने दोस्त का ले लो या दोस्तनी का ले लो, उसमें ये इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद जो आपका एक फोन अराउंड एज अ माइक्रोफोन वर्क करेगा, जो आपका दूसरा फोन है वो एज अ स्पीकर वर्क करेगा। सो मैं बता दूं ये वाईफाई पर वर्क करते तो इसके ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहेगी। अगर आप बाइसिकल या किसी होम में हो और आपके घर पे आए हुए हैं सारे दोस्त बातें कर रहे हैं तो आप एक फोन वहां छोड़कर जा सकते हो और दूसरे फोन को अपने साथ ले जा सकते हो ऑन करने के बाद, ताकि आप देखते रहे कि कौन आपकी यार बुराइयां करता है पीठ पीछे, कौन आपसे इतना जेलस हो चुका है कि सारे टाइम देखो बस तुम ये हो तुम वो हो। ये एप्लीकेशन बहुत इस चीज के लिए यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। और ये यार किसी पे भी तुम इसे पकड़ सकते हो कि हाँ तू मुझे पसंद नहीं करता या तू मुझे पसंद नहीं करती, ऐसा क्यों है, तुम्हारी बहुत सारी चीजें जो है ना सॉल्व हो सकती है इससे और तुम्हें पता लग सकता है तुम्हारे पीठ पीछे नाग और नागिन कौन है। सो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका नाम है इंस्टाग्राम थ्रेड्स। इस एप्लीकेशन की मदद से आपका जो इंस्टाग्राम है वो बहुत ज्यादा कूल होने वाला है, ठीक है। सबको पता है कि इंस्टाग्राम पे कभी भी स्टेटस नहीं लगते हैं, बट इस एप्लीकेशन की तरफ से आप स्टेटस लगा सकते हो। वो स्टेटस आपका ऑन द बीच हो सकता है, इन द मूवी थिएटर हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, कूल हो सकता है, या इस तरह से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप जो है अपने क्लोज फ्रेंड्स को भी ऐड कर सकते हो, उन क्लोज फ्रेंड्स को आप स्टोरीज भेज सकते हो। अब स्टोरीज यार तुम भेज दोगे, तुम इंस्टाग्राम पे जाते हो कि स्टोरीज लगाते हो तो सबको दिखाते हो या फिर तुम्हें हाइड करने पड़ते हो, बट यहाँ पर तुम एक लिस्ट बना सकते हो क्लोज फ्रेंड्स की, सबको वहां पहले दिखा सकते हो बिना इंस्टाग्राम पे अपलोड करे हुए भी। यहां से भी जो भी सारे आपको इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आएंगे यहां पर भी आप लोग सारे देख पाओगे, और आपका जो ऑनलाइन का स्टेटस है इंस्टाग्राम पे वो भी नहीं दिखेगा आप लोगों को। सो ये है इंस्टाग्राम का थ्रेड, आपको यहाँ से सीधा लॉगिन कर लेना। लॉगिन करते के साथ ही आपको कॉन्टिन्यूस एज आ जाएगा, जो भी आपकी आईडी खुली होगी तो आप देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ फोटो के नीचे एक स्माइली बना रहा है, मैं आपको क्लियर से दिखाता हूँ इसे ज़रा। सो अभी मैंने लगा तो रखा है ना, यहाँ पर मैं जाऊँगा और मैं यहाँ से दिखाऊँगा, मैंने चूज़ कर लेता हूँ एक कोई भी स्टेटस, जैसे कि सेट स्टेटस में कर लेता हूँ मैं हिट मी अप। सो मैं यहाँ से डन कर देता हूँ, हिट मी अप डन करते के साथ ही मैं यहाँ से जाता हूँ दूसरे फ़ोन में यहाँ से मैं खोलूँगा अपना नाम, और आप देख पा रहे हो इनएविटेबल के सामने आ गया है हिट मी। सो यहाँ से आप देख पा रहे हो जैसे मैंने उस फोन में चेक किया तो मेरा बार बार यहाँ जो स्टेटस है वो चेंज होता रहेगा। ऐसे ही करके आप जैसे हिट मी अप मेरा आ चुका है, देखो बार बार यहाँ आ रहा है, सेम मैं ऐसे करके कोई सा भी लगा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बोर्ड हो रहा हूँ या हैप्पी हो रखा हूँ, सो मैं हैप्पी पे क्लिक कर देता हूँ, हैप्पी पे क्लिक करती हूँ डन। यहाँ डन करते के साथ ही जो मेरा हैप्पी का स्टेटस है वो लग चुका है। इंस्टाग्राम में जब आप थ्रेड्स खोल लोगे तो आपको चैट्स भी ओपन करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आप जो है यहीं से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, यहाँ से सीधा मैसेज कर सकते हो जैसे मैंने अपनी भेज रखा था। और जब आप दूसरे फ़ोन पर देखोगे तो आपका जो स्टेटस हमेशा लिखा आएगा हैप्पी। सो ये एप्लीकेशन जो है बहुत ही गदर थी और जो आपको बहुत ही ज़्यादा कूल बना सकती है।
सो हम बढ़ते हैं अपने थर्ड एप्लीकेशन की। बट उससे पहले आज मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, आज मैं बहुत ही पुण्य का काम करने वाला हूँ, आज मैं तुम सबका ब्रेकअप बचवाने वाला हूँ, या आपकी बहुत ही अच्छी दोस्ती आप वो सब बताना चाहता हूँ। सपोज करते हैं अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे बंदा बंदी, अब आप लोग कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, ट्रेन में बैठे हुए हो, क्या करें, कुछ कर तो सकते नहीं, बोर तो तुम हो ही रहोगे, सो एक ही लीड लगा रखी है और तुम गाने सुनने की रेडी करते हो, क्योंकि बातें करने के लिए पास तुम्हारे पास अब कुछ बचा नहीं है। सो करते क्या, अब तुम्हें सुनना यार गाड़ी वाला है, घर से कचरा निकाल, और उसे सुनना है सैलरी रिटर्न, ना तुम उसे पसंद कर पा रहे हो उसके सॉन्ग को, ना वो तुम्हारे पसंद करे सॉन्ग को, तुम एक दूसरे को जज कर रहे हो कि क्या सॉन्ग सुन रहे हैं। So, इस एप्लीकेशन की मदद से जो आपके एक ही बारे में आप एक स्क्रीन पे दो सॉन्ग सुन सकते हो, मैं आपको लोगों को बताऊंगा कैसे इस एप्लीकेशन की मदद से आप दो दो सॉन्ग सुन पाओगे। तो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन था वो था स्प्लिट क्लाउड। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे आपके सामने से खुल जाएगा, ऊपर की जो स्क्रीन आपके लेफ्ट हेडफोन में आवाज देगी और जो नीचे की स्क्रीन आपको यहाँ से राइट हेडफोन में आवाज देगी। सो आपको करना कैसे, फिर इस पे क्लिक कर लेना है एल्बम पे, एल्बम पे जाकर आप क्लिक कर दिया तो आप यहाँ से कुछ भी फॉलो कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, लाइब्रेरी में जा सकते हो, लाइब्रेरी में जाते के साथ ही आप ऑल म्यूजिक में चले जाओ, यहाँ से आपको जो भी म्यूजिक पसंद आता है, मुझे जैसे पसंद आता है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मैं इसे बैक कर देता हूँ, तो मैं इसे पॉज कर देता हूँ, यहाँ से आवाज़ जाती हुई अच्छी नहीं लगेगी, और यहाँ से अगर मुझे कोई और पसंद आता तो उससे मैं यहाँ से लाइब्रेरी में वापस जाता हूँ, म्यूज़िक में जाता हूँ और मैंने ये चूज़ कर लिया। सो अब क्या होगा कि एक लीड से आप अपना गाना सुन सकते हो, दूसरी लीड से आप दूसरा अपना मनपसंद गाना सुन सकते हैं, और ये एप्लीकेशन बस यही काम करता है। सो इस एप्लीकेशन की मदद से मैंने भाई ने तुम्हारा ब्रेकअप बचवा लिया, बहुत से दोस्तों से, अच्छे दोस्तों और दोस्तों ने मैं लड़ाई होने से बचा दिया, तुम अब एक दूसरे को जज नहीं कर पाओगे, इतना काम कर दिया, तुम्हारा भी काम बनता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब देने का भूल मत जाना इस बात को। सो मूविंग ऑन, ये जो आपके लिए मैं एक्साइट लाया हूं, ये प्रॉक्सी सेम एज अ वीपीएन काम करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि गूगल प्ले पे यार भरे पड़े भरमार है वीपीएन की, इधर उधर कौन सा वीपीएन लगे कौन सा नहीं लगे, कुछ वीपीएन से काम करते हैं कुछ नहीं करते हैं। सो के प्रॉक्सी जो साइट है ना, जो हमारे को इनकॉग्निशन वाले भाई हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने लगे, और दूसरे भी जिनके लिए जिनको मूवीज डाउनलोड करने का बहुत ज्यादा शौक है, आप कोई से भी मूवीज कर सकते हो, डैश वीडियोस या फिर जो भी आपको साइट अच्छी लगती है, और दूसरी अगर आप नॉर्मल बॉलीवुड या हॉलीवुड की वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी करती है, ये साइट आप लोगों को बहुत ही ज्यादा स्पीड एनहांस कर देती है। जरूरी नहीं है वीपीएन की यार सर्वर अमेरिका से कनेक्ट हो तो स्पीड आएगी, ये वहां के कनेक्ट करती है जहां ज्यादा स्पीड हो। दूसरी चीज, अगर आपको कोई सी भी शॉपिंग करनी है तो के प्रॉक्सी से करना चाहिए, अगर आपको पता ना हो इनकॉग्निशो की ट्रिक होती है, जब आप इनकॉग्निशो मोड में चले जाते हो सो जो प्राइसेस होते हैं स्पेशली फॉर एयरलाइंस के लिए वो बहुत डाउन हो जाते हैं। सो बट मेरी मानना, अगर आप कोई भी बैंक डिटेल्स का काम करो तो के प्रॉक्सी की साइट से मत करना, क्योंकि कोई से भी सेफ नहीं होती है, कोई से भी वीपीएन सर्वर सेफ नहीं होते, बट आप लोग बहुत ही ज्यादा चीजें इसे यूज कर सकते हो। सो बस आज का सफर हमारा यहीं तक था, ये थी तीन चार चीजें जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, स्पेशली बाई के प्रॉक्सी की चीज मेरे भाइयों को तो आई होप बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, वो खुश होने वाले ये चीज सुन के। और जाते जाते आप लोगों का एक ही काम होता है, एक लाइक दे देना, भूलना मत शेयर करना, और सब्सक्राइब जो स्क्रीन पे आए तो उसे दबा दिया करो, उसके साथ बेल आइकन आता है उसे भी दबा करो यार, जल्दी जल्दी शेयर करो, ये सारे एप्लीकेशंस बहुत यूजफुल होने वाले आप लोगों के लिए भी और दूसरों के लिए भी। भाई दूसरों का भला करोगे तभी तो कुछ करोगे।